लालू प्रसाद जी तो पहले से भी थे, हर चुनाव में तो वो प्रचार कर ही रहे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर तमाम पार्टियां अपना दमखम उतार रही है, तमाम बड़े उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है दोनों सीटों को लेकर। इसको लेकर हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखा रही है उपचुनाव में, आपकी आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम लोगों की तैयारी जो है वहाँ पे क्षेत्र में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि विकास के नाम पर वो अपना मतदान करेगी। प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा हो रही है सर, महागठबंधन के सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, चिराग पासवान, यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो आप लोग को कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है? क्यों कंपटीशन फेस करना होगा, वो लोग आपस में पहले उनकी एकता तो है नहीं, हमें क्योंकि हमें तो अपनी अपने रास्ते चलना है, हमें दूसरे से क्या लेना देना। और अगर वो प्रत्याशी अधिक निकाल रहे हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव भी आ रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, उनकी लिस्ट में उनका नाम भी आ गया सर, कड़ी टक्कर दे सकते हैं क्योंकि लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं? लालू प्रसाद जी तो पहले से भी थे, ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद जी पिछले किसी चुनाव में प्रचार नहीं किए हों, चुनाव प्रचार में तो हर चुनाव में तो वो प्रचार कर ही रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? पिछले आप देख रहे हैं जब से NDA की सरकार है वो हमेशा प्रचार करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? लोग इंटरटेनमेंट के तौर पे उनकी सभा में जाते हैं वो अलग बात है। सर, तेज प्रताप यादव ने कल ट्वीट किया है कि मेरी माँ और बहन को नकारा जा रहा है पार्टी में, अब हम दुर्गा पूजा में माँ की आराधना करते हैं लेकिन मेरी माँ को ही पार्टी से नकारा जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारक में उनका और मीसा भारती का नाम शामिल नहीं है, राबड़ी देवी और मीसा भारती। अब ये देखिए, उनके पार्टी का मामला है, ये उनके परिवार का मामला है, इस बात पर उनके पार्टी और परिवार वालों से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, उपचुनाव पर क्या कहेंगे, आप लोग जीत रहे हैं कि तेजस्वी यादव? सर, उपचुनाव में दोनों विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो रही है। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर विजय हासिल करेगा उपचुनाव में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एचडी न्यूज़।